ये जहाँ जहाँ कंपोनेंट के होल होते हैं, जैसे यहाँ पर ये कैपेसिटर लगाना है, ये तो यहाँ पर देखें, जैसे ये होल इसका बंद है। अब यहाँ पे इसको ओपन करने के लिए एक डिसोल्डिंग पंप की ज़रूरत होती है, जो कि यहाँ पर दिखा दें आपको। हमने दो डिसोल्डिंग पंप मंगाया है, जैसा कि हमने पहले इसको यूज करते थे, ये वाला। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया तो हमने फिर से इसको मंगाया, तो ये ठीक से काम नहीं किया, तो फिर हमने इसको मंगाया। तो यहाँ पर देखें, दोनों का हमने देखा और इसको यूज किया। यूज करने के बाद देखा तो इसका जो है रिस्पॉन्स सबसे अच्छा हमको मिला। ठीक है, ये डिसोल्डिंग पंप सबसे अच्छा है। और यहाँ पे इसको अगर देखेंगे तो ये उतना अच्छा नहीं है। और अगर प्राइस की बात करें तो ये 60 रुपये का है और ये 80 रुपये का, यानी ये 80 रुपये का मिल जाएगा और ये 60 रुपये का। और इससे ये भारी भी है और बेटर भी है ये वाला। और ये न्यू है, लेकिन यहाँ पर देखें ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, ये ऐसे यहाँ पे फंस जाता है। लेकिन ये स्मूथ है। अब इसमें एक काम और किया जाता है, इसके नोजल को बचाने के लिए यहाँ पे हमने इसका इस्तेमाल किया है, ये अब इसमें क्या होता है कि अगर आपका कुछ शोल्डर इकट्ठा भी है तो यहाँ बीच में यहाँ जाके, क्योंकि अगर देखेंगे इस नोजल का इतना एरिया ये कवर करता है, इसके बाद ये खाली होता है। ठीक है, अब ये जहाँ पे खाली है इतने में इतना शोल्डर यहाँ पे भर जाता है, और इसे आप ऐसे निकाल के और ऐसे जो है इसे निकाल सकते हैं। तो इससे जो भी यहाँ से शोल्डर ये खींचेगा तो उसको यहाँ पे इकट्ठा कर लेता है इतना। ये रबड़ नोजल जो है ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, इसमें एक पैकेट में तीन होते हैं। इसमें अगर आप हीट की देखेंगे इसको और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इसको कितना भी हीट देंगे ये जलेगा नहीं। ठीक है, ये ऐसे ऊपर से ये अंदर जो भी है ये देखिए, ठीक है, ये जल नहीं सकता। जैसे आयरन बहुत ही गर्म है, अभी देखिए यहाँ पे देखने के लिए थोड़ा सा पेस्ट लगाते हैं, देखिए गर्म है। और यहाँ पे अगर लगाते हैं तो ये जलेगा नहीं, अभी देखिए। ठीक, अब इससे क्या होगा, ये जो है इसका नोजल सेफ रहेगा। ये अब यहाँ पे इसको हम डिसोल्डिंग करके दिखाते हैं।
यहाँ पर देखें ये होल, ठीक है, इस साइड से देखेंगे तो पूरा क्लीन है।